हेलो गाइस, टुडे आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे नदियों के किनारे बसे हुए शहर। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो ये देखिए नदियाँ, ये नगर है और ये नदियाँ हैं। ओके, तो हम देखेंगे आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे। इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा और यमुना के किनारे। ओके, फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलुज नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। सकोबा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, सकोबा घाट। ओके, और देखिए श्रीनगर किस झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, श्रीनगर। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, विजयवाड़ा। ओके, और देखिए जैसे आप देख विजयवाड़ा को आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि कृष्ण की ही विजय हुई थी महाभारत में, तो कृष्ण विजयवाड़ा, विजयवाड़ा नगर कृष्णा नदी पे, ठीक है। ओके, श्रीनगर तो आप याद रख सकते हैं कि झेलम, झेलम है तो ऑब्वियसली झेलम के नाम से ही श्रीनगर याद आता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। और देखिए कोलकाता हुगली नदी के किनारे, अब कोलकाता को इस तरह लर्न रख सकते हैं कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कंपनी लगाई थी। ओके, ओके गाइस, तो सेकंड देखेंगे हम डिब्रूगढ़। अब देखेंगे हम डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जबलपुर। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है, कटक। सवलपुर बसा हुआ है महानदी के किनारे। ओके गाइस, कटक सवलपुर दोनों महानदी के किनारे बसे हुए हैं, तो आप इस तरीके से लगेंगे कटक सवलपुर महानदी, कटक सवलपुर महानदी। आप इस तरीके से लर्न करेंगे और कुछ दिनों बाद इसे रिपीट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, वाराणसी। ओके, ये तो हमें ऑब्वियसली याद रहेगा बिकॉज ऑफ वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे शिव मंदिर पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली गंगा नदी के किनारे पे पाए जाते होंगे। इस तरीके से आप इसे लर्न रख सकते हैं। पढ़पुर भीमा नदी के किनारे बसा है, ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके गाइस, जमशेदपुर कहाँ बसा है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट देखेंगे अब हम गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, गुवाहाटी। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, कोटा। कोटा चंबल यानी कि हम चंबल नदी। ओके गाइस, देखिए नासिक गोदावरी। ओके, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, श्रीरंगपट्टनम। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, बरेली। रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, बरेली। उज्जैन बसा है शिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा। इस तरीके से आप इसे लर्न करोगे तो आपको कुछ दिनों बाद इसे दोबारा वीडियो को देखोगे आप या रिपीट करोगे इसको तो आपको ऑब्वियसली लर्न हो जाएगा आसानी से। ओके गाइस, अभी देखिए मथुरा यमुना नदी के किनारे बसाई हुई, तो हमें पता ही है क्योंकि कृष्ण भगवान की नगरी है मथुरा और वो यमुना नदी, तो दोनों सेम हो गए क्वेश्चन। ओके, यमुना नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है, अहमदाबाद। इसे हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि साबरमती आश्रम में गांधी जी ने अहमदाबाद में आंदोलन चलाया था, तो साबरमती नदी के किनारे पर ऐसे सोच सकते हैं आप इसको कि किनारे पर उनका साबरमती आश्रम है और वो कहाँ, अहमदाबाद में, तो साबरमती नदी है अहमदाबाद में। ओके गाइस, साबरमती की नदी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद। अब देखेंगे हम बद्रीनाथ अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ, जैसे कि हमें बद्रीनाथ जी से ही हमें समझ होता है कि ये उत्तराखंड का कोई पार्ट है, तो वहाँ अलकनंदा नदी बहती है। इस तरीके से आप इसे लर्न रख सकते हैं। ओके गाइस, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। देखिए मथुरा दिल्ली के पास है, तो इसलिए यमुना नदी मथुरा के किनारे, यमुना नदी मथुरा के किनारे पर है, तो वहाँ मथुरा के किनारे पर है और दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे पर है। ओके, हरिद्वार गंगा नदी, अब बताते हैं कि हरिद्वार, अब हरि का द्वार है तो वो गंगा नदी के किनारे ही होगा। ओके गाइस, कुरनूल, देखिए
कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ, पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। सूरत ताप्ती दोनों में त तो आ रहा है, इसमें देखिए सूरत में लास्ट में त तो है, इसमें दोनों ही त तो है, तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ अयोध्या, इसको तो हम आजकल हम लॉकडाउन के चलते हम बहुत देखते हैं, रामायण भी देखते हैं। ओके, तो उसमें आप कई बार आता है जिक्र कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी है, तो इस तरीके से आप इसे इमेजिनेशन करके, आपको इमेजिनेशन करनी है ताकि आपको अच्छे से वो लर्न रहे और आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करे, जब भी आपको पेपर में नज़र आए कि हाँ ये इमेजिनेशन से था तो इसका आंसर ये है। ओके, अयोध्या सरयू नदी के किनारे ऐसे कनेक्ट किया करो एक दूसरे से चीज़ों को, आप इस तरीके से लर्न करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ओके गाइस, अब देखिए लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे, लखनऊ गोमती, गोमती नदी लखनऊ के किनारे, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसे। ओके गाइस, गोमती नदी लखनऊ, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस ये थे हमारी जो भी बसे हुए हैं शहर नदियों के किनारे उसकी वीडियो। ओके गाइस, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इस तरीके से आप इनको अच्छे से लर्न रख सकते हैं। ओके गाइस, तो देखिए जैसे आगरा यमुना है और इलाहाबाद भी गंगा यमुना है, तो आगरा दिल्ली के पास है, तो यमुना नदी के किनारे अगर दिल्ली बसी है तो आगरा भी वहीं बसा होगा, तो इस तरीके से आप इसे लर्न रख सकते हैं। ओके गाइस, और फिरोजपुर तो सतलुज नदी के किनारे बसा है। ओके, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही थी, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और गाइस इस तरीके की वीडियो पाने के लिए या आपको किसी भी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई विल डू इट। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच गाइस।